भाभी बैठ जाइए बैठ जाइए, अब आप शांत हो जाइए, घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, हम लोग अस्पताल में हैं, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ना? क्या हुआ रेखा, क्या हुआ? फोन पर तुम कुछ बताई नहीं, सुबह तक तो मुन्नी ठीक थी, फिर अचानक कैसे कैसे हो गया? कि क्या हो गया, हम तो रसोई घर में खाना बना रहे थे और मुन्नी अपने रूम में पढ़ लिख रही थी, बार बार बुलाने पर भी आवाज नहीं दे रही थी, तो हम उसके रूम में चले गए देखने के लिए, तो देखे कि मुन्नी जमीन पर पड़ी हुई थी, पूरा उल्टी की हुई थी, फिर हम घबरा गए और उसके बाद हल्ला सुनने के बाद महेश भाई भी आए और बोले कि तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। बोलिए ना महेश भाई। हाँ, हम एकदम से देखे वो बेहोश पड़ी हुई है, चारों तरफ गंदगी फैला हुआ है, फिर हम समझ गए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, और फिर फोन लगाए, फिर संजोग से एम्बुलेंस भी आ गया और उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल आया। हाँ, हाँ, हमारा तो होश उड़ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, और महेश भाई बोले कि आपको फोन करने के लिए, अस्पताल पहुँचने के लिए। अरे तो हुआ क्या है उसे, डॉक्टर साहब क्या बोले? भैया भैया डॉक्टर बोले कि हम देख रहे हैं आप लोग बाहर बैठिए। कैसे बाहर बैठे, कैसे बाहर बैठे? बेटी अंदर, बेटी अंदर बेड पे लेटी हुई है और हम कैसे बाहर बैठे, कैसे बाहर बैठे? पेशेंट के अटेंडेंट को बुलाइए। आइए, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। बच्ची अब ठीक है, काफी बेहतर स्थिति में, नर्स को दवाइयां लिखवा दी हैं, ऊर्जा लेकर ले आई। डॉक्टर साहब उसे हुआ क्या है? फूड पॉइजनिंग। क्या फूड पॉइजनिंग, ये कैसे हो गया? ये तो आप ही बताइएगा। खैर घबराइए नहीं, बच्ची की हालत अब सुधर रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज लेकिन मैं उसे यहीं रखूंगा, कल घर भेज दूंगा मैं, आप लोग मिल लीजिए। प्रणाम। ये फूड पॉइजनिंग कैसे हो गया? तुमने क्या खिलाया था उसे? हम कहा कुछ खिलाए हैं, सुबह से तो नाश्ता भी नहीं की है। अरे तो ये फूड पॉइजनिंग कैसे हो गया? वो अपने खाली, तुम देखते भी नहीं हो, घर में रहकर उस पर नजर नहीं रखती हो। हम नजर नहीं रखते हैं, बाहर से आप नजर रखते हैं ना। भैया भैया सब देख रहे, जाते समय पूछ लेंगे ना डॉक्टर से, सब ठीक हो जाएगा भैया। हाँ।
धुआं धुआं सा हर एक शहर, जैसे कोई हो जहर। अंधेरी रातों में खुल जाए ये जहर, हाथों में भी ये जहर, हाथों में भी ये जहर। ला 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 ला। कैसा तबीयत है बेटा, अब ठीक हो ना? तुम सब सामान रख ली है? हाँ रख लिए हैं। ठीक है, हम जरा डॉक्टर साहब से बात करके आते हैं। हम भी चले क्या? तुम भी चलेगी? हाँ चलो। एक मिनट बेटा, हम जरा डॉक्टर से बात करके आते हैं ना। ठीक है बेटा, हम लोग आते हैं। चलो चल ही रहे हैं, हमेशा ऊंची आवाज में बोलते हैं। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम सर। आइए बैठिए। मुन्नी तो सर ठीक है अब, उसे अब घर ले जाए हम। बिल्कुल, 14 नंबर का फाइल दिखाइए। अब बिटिया तो बिल्कुल ठीक है वर्मा जी, आप घर ले जा सकते हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत मेहरबानी है। ठीक चलो। वर्मा जी। जी सर। ये हाथों में क्या रखा है आपने? सर सेव का जूस है। बैठिए दो मिनट। सेब के जूस के साथ साथ जहर भी ले जा रहे हैं? जहर जी? मतलब समझा नहीं। कल आपकी बेटी के साथ बहुत देर गुफ्तगू की मैंने, उसने मुझे बताया कि प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल बहुत होता है आपके घर में, यहां तक कि खाने का सामान भी आपके यहां प्लास्टिक के थैलों में ही आता है। जैसे सब्जी लाने के क्रम में, समोसे लाने के क्रम में, चटनी लाने के क्रम में, मिठाई लाने के क्रम में। आपको पता है वर्मा जी, प्लास्टिक एक रसायन से बनता है और वो रसायन जहरीला होता है। अगर हम उसका प्रयोग अक्सर करेंगे तो उस खाद्य पदार्थ के साथ साथ वो रसायन हमारे पेट में जाकर जमा होने लगता है और नतीजा आप देख रहे हैं, बेटी के साथ क्या हुआ। यही यही हमेशा प्लास्टिक में सामान लाते हैं घर में, ये लाते हैं और हमको कहते हैं कि तुम नजर नहीं रखती हो। चुप। अच्छा बस बस बस। अरे वो तो सर कभी कभी घर का सामान के लिए। बस, क्या सामान? क्या सामान? जहर आप लाते हैं और कहते हैं हमको। बस बस, अब आप लोग घर जाकर आपस में समझ लीजिए। दवाइयां मैंने लिख दी हैं, नर्स से पूछ लीजिएगा, दवाइयों को लेकर आप घर जा सकते हैं। कोई भी तकलीफ होगी मुझे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। घर चलो तुम। चलिए ना रहे हैं। वर्मा जी। जी सर। याद रखें एक और बात, जो करते हैं अपने परिवार से प्यार वो हमेशा करते हैं प्लास्टिक का बहिष्कार।